नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह है गुजरात के सूरत से, जहां पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भारी जनसमूह को संबोधित किया और उन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे बात की, जैसे फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री अस्पताल। यानी उनका यह भी कहना था कि अगर अस्पताल में चाहे 5 रुपये की दवा से ठीक हो या 5 लाख का ऑपरेशन कराना पड़े तो उनकी भी खर्चा जो खर्च पड़ेंगे वो आम आदमी पार्टी जब जीतेगी तो आम आदमी पार्टी देगी। उन्होंने अपने आप को हर गुजराती का भाई और बेटा बताया। बाकी देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। सूरत के कोने कोने से आए हुए कतारगाम बैठक में आज यहां पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो, इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं। दूर दूर तक सभी लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। समय निकाल के हमारे बीच में आए, एक बात तो पक्की है, आज भाजपा वालों को नींद नहीं आएगी। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। अच्छा ये बताइए, किस किस के पास मोबाइल फोन है? सब लोग अपना मोबाइल फोन निकाल लीजिए। उधर भी जो जो सुन रहे हैं सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन निकाल लीजिए। अब एक काम कीजिए, अपने मोबाइल फोन को फेसबुक लाइव पे लगा दीजिए, फेसबुक लाइव, और सारे कार्यक्रम को लाइव कर दीजिए, फेसबुक लाइव पे लगा दीजिए। उसका कारण ये है, ये हमारे जितने मीडिया के साथी आए हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये सारे भी हमें वोट देने वाले हैं जितने मीडिया के साथी आए हैं, लेकिन इनको ऊपर से भाजपा वालों ने बोला है आम आदमी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं दिखाना। इनको डरा दिया, इनके हाथ पकड़ के मोड़ दिया, मीडिया को बोला है केजरीवाल को नहीं दिखाना, गोपाल इटालिया को नहीं दिखाना, भगवंत मान को नहीं दिखाना, कटीरिया को नहीं दिखाना, मनोज, आम आदमी पार्टी को नहीं दिखाना उनको बोला गया है। लेकिन एक एक आदमी, एक एक गुजरात का आदमी हमारा मीडिया का आदमी है, और आपका कैमरा हमारा, आपका मोबाइल फोन हमारा कैमरा है, जनता तक हमारा मैसेज आपका मोबाइल फोन पहुंचाएगा। कल मैं शाम को एक गुजराती चैनल देख रहा था, टीवी डिबेट देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि गुजरात के चुनाव पे चर्चा हो रही है, गुजरात के चुनाव पे चर्चा हो रही है, और उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया। मैंने फोन करके पता करवाया तो पता चला कि ऊपर से भाजपा के नेताओं ने सारे टीवी चैनलों को बोला है कि अगर आम आदमी पार्टी वालों को बुलाओगे तो हम डिबेट में नहीं आएंगे। भाजपा के नेताओं ने सारे टीवी चैनल वालों को बोला है कि अगर आम आदमी पार्टी को बुलाओगे तो हम डिबेट में नहीं आएंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ डिबेट नहीं करेंगे। ये तो चुनाव के पहले ही डर गए, ये तो अभी से डर गए।
इतना डर। शोले पिक्चर देखी थी आप लोगों ने? शोले पिक्चर में एक डायलॉग था, गब्बर सिंह बोलता है कि जब माँ दूर 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 तक कोसों दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आज गुजरात में कोसों दूर जब कोई भाजपा का नेता रोता है तो माँ बोलती है बेटा सो जा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आ जाएगा। इतना डरते हैं ये लोग आम आदमी पार्टी से, इतना डरते हैं। क्यों डरते हैं ये लोग? क्योंकि इनके डिबेट में जाके हम इनसे 27 साल का हिसाब मांगते हैं कि 27 साल में तुमने कितना लूटा पंजाब को, गुजरात को। हम इनसे आपके एक एक पैसे का हिसाब मांगते हैं, इसलिए कहते हैं टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाना। हम इनसे मोरबी के बारे में पूछते हैं कि मोरबी के अंदर जिस कंपनी ने मोरबी के अंदर लोगों का की हत्या की थी वो अभी तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? मोरबी के हत्यारे अभी तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? हम इनसे हिसाब मांगते हैं, इसलिए कहते हैं टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी वालों को मत बुलाना। हम टीवी डिबेट में जाके इनसे पूछते हैं कि गुजरात के अंदर पेपर क्यों फूटते हैं, इसलिए कहते हैं कि डिबेट के अंदर आम आदमी पार्टी वालों को मत बुलाना। दोस्तों, सूरत के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। मुझे याद है आज से एक दो साल पहले जब सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था, आप लोगों ने 27 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, 27 सीट। हंगामा मच गया, पूरे देश में हंगामा मच गया। ये लोग कहते थे गुजरात में केवल कांग्रेस और बीजेपी, केवल कांग्रेस और बीजेपी। अचानक सूरत के लोगों ने कमाल कर दिया, पूरे देश के अंदर सूरत की चर्चा होने लगी, सूरत के लोगों की चर्चा होने, 27 सीट आई थी। इस बार सूरत शहर की 12 सीट है, 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी की। 12 की 12 में सारे कैंडिडेट आपको बता दिए, 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी को आनी चाहिए। और आपके लिए खुशखबरी लाया हूं, आईबी एक जासूसी कंपनी है केंद्र सरकार की, आईबी की रिपोर्ट आई है गुजरात मां बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है। और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि कतारगाम का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष गोपाल इटालिया सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाला है। बोल रही है आईबी की रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट बोल रही है बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। दोस्तों, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकते, आपके प्यार का कर्ज नहीं उतार सकते। आप में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लोग मुझे अपना भाई बोलने लगे हैं, मैं गुजरात का भाई बन गया हूं, गुजरात के लोगों का बेटा बन गया हूं, गुजरात के लोगों का परिवार का हिस्सा बन गया हूं, सभी परिवारों का हिस्सा बन गया हूं। आज मैं भी आपको वचन देके जाता हूं, गुजरात चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपका बेटा बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिंदगी केजरीवाल, आपके परिवार की जिम्मेदारी केजरीवाल संभालेगा।
आपके घर में कोई तकलीफ होगी उस तकलीफ को हम दूर करेंगे, आपके घर में कोई दर्द होगा, कोई बीमार होगा, किसी तरह की तकलीफ आएगी हम उसको दूर करेंगे। हम भी आम लोग हैं आपकी तरह। ये जितने कैंडिडेट अभी आपको बताए ये किसी नेता के बच्चे नहीं है, ये आम लोग हैं, आम परिवारों के, आप जैसे परिवार के बच्चे हैं। हमारी पार्टी किसी नेता के बच्चों को टिकट नहीं देती, हमारी पार्टी किसी नेता के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देती। एक आम आदमी का दर्द समझते हैं। हमारी सरकार बनेगी, एक एक परिवार के दर्द को, तकलीफ को हम दूर करेंगे। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। 1 मार्च से आप लोगों को बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार का बिजली का बिल आपका भाई भरेगा 1 मार्च के बाद से। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब में पिछले महीने 98% 98% लोगों का बिजली का बिल 0 आया है। 98% तो दिल्ली में 0 बिजली आता है, बिजली का बिल आता है, पंजाब में 0 बिजली का बिल आता है। गुजरात में सरकार बनेगी 1 मार्च के बाद से, मैं गारंटी देता हूं आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। थोड़ी राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? महंगाई से राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक और काम करेंगे, हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए सरकार की तरफ से हर महिला को, 18 साल से ऊपर की बहन, बेटी, माँ, हर एक के अकाउंट में 1,000-1,000 रुपए डाले जाएंगे। घर को तो महिला को चलाना होता है, पति आके उसके हाथ में पैसे रख देता है महीने के अंत में, 15 दिन में 20 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, समझ नहीं आता अब क्या करें, घर कैसे चलाएं। 1,000-1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। किसी घर में 2 महिला होंगी तो 2,000 रुपए मिलेंगे, किसी घर में 3 महिला होंगी तो 3,000 रुपए मिलेंगे। उससे उनको, महिलाओं को अपना घर चलाने में मदद मिलेगी, महंगाई से छुटकारा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब मैंने कहा कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, ये सारे बीजेपी वाले मेरे को गालियां देने लग गए, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है। ये जितने बीजेपी के नेता हैं, इनको हर महीने 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर नेताओं को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इनको 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। केजरीवाल बोलता है 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है। हमारे इतने सारे युवा इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए पेपर देने जाते हैं और पेपर फूट जाता है। दोस्तों, पेपर फूटता नहीं है, पेपर बेचा जाता है। ये लोग, इनके नेता पेपर बेचते हैं, इनके मंत्री पेपर बेचते हैं। इतने पेपर फूटे अभी तक, कोई नेता जेल गया? कोई मंत्री जेल गया? हमारी सरकार बनेगी, अभी तक 12 पेपर फूटे हैं। सारे केस दोबारा खोलेंगे और इनके जिस जिस मंत्री ने पेपर फोड़ा, जिस जिस नेता ने इनका पेपर बेचा, सबको 10-10 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। और जितनी सरकारी नौकरियां हैं, 1 साल के अंदर मैंने सारा प्लान बनाया है, फरवरी के महीने में तलाटी का पेपर होगा, जून के महीने में टेट और टेट का पेपर होगा, नवंबर के महीने में पुलिस की सारी भर्तियां होंगी, 1 साल के अंदर सारे पेपर पूरे कर देंगे, सबकी भर्ती का इंतजाम करूंगा। में टाइम लगेगा, जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता, हर बेरोजगार बच्चे को
3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सारे मेरे को गालियां देते हैं, कहते केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल सारी रेवड़ी स्विस बैंक में नहीं ले जाता। केजरीवाल अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाता। केजरीवाल कोठियां नहीं खरीदता। केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं करता। केजरीवाल डाका नहीं डालता। केजरीवाल लूटमार नहीं करता। केजरीवाल चोरी नहीं करता तुम लोगों की तरह। केजरीवाल सारा सरकारी पैसा जनता के ऊपर खर्च करता है, जनता को सुविधाएं देता है। अगर मैं आपकी बिजली मुफ्त कर देता हूं, बिजली 24 घंटे कर देता हूं, आपको महिलाओं को 1,000-1,000 रुपए देता हूं, आपके लिए स्कूल बनवाता हूं, अस्पताल बनवाता हूं, इनको मिर्ची हो लगती है। मैंने कहा दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, शानदार स्कूल, उसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। एक जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। आज दिल्ली में गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाला का बच्चा वकील बन रहा है। आज हमारे मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छा वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आपके बच्चों का भी भविष्य बना दूंगा मैं। आपके बच्चों के लिए भी पूरे गुजरात में शानदार स्कूल बनाऊंगा। दिल्ली में हम लोगों ने शानदार अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया मैंने दिल्ली में सबका, अमीर हो या गरीब हो। 5 रुपए की गोली वो भी मुफ्त मिलती है, और अगर 15-20-25 लाख रुपए का ऑपरेशन है वो भी मुफ्त होता है। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है चिंता मत करना, आपका भाई है, सारा इलाज मुफ्त में कराऊंगा आपका सारा इलाज, आपके परिवार के सब लोगों का। गुजरात में भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दोस्तों मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं, मामूली आदमी हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, डाका डालना नहीं आता, मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती। आप में से जिन जिन लोगों को राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, लफंगाई चाहिए, उनको वोट दे देना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं, मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, इंजीनियर हूं, सड़क बनानी आती है, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है। अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, और अगर गुंडागर्दी करनी है उनके पास चले जाना। 27 साल से गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी ऐसे ही चलती रहेगी। आज आपके बीच में आया हूं एक प्रार्थना लेके। 27 साल दे दिया आपने इन लोगों को, मुझे बस 5 साल दे दो। मुझे बस 5 साल दे दो, 5 साल में आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आप लोगों के लिए बच्चों के रोजगार पैदा कर दूंगा, आपके लिए शानदार स्कूल और अस्पताल बना दूंगा। करके आया हूं मैं, दिल्ली में करा था, और अब भगवंत मान हमारी पार्टी के सीएम पंजाब के अंदर स्कूल अस्पताल बना रहे हैं, बिजली मुफ्त कर रहे हैं। हम करके आए हैं, हमें करना आता है, हमारी नीयत साफ है, हम हवा में बात नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोलते हम लोग। मैं बस 5 साल आप लोगों से मांग रहा हूं, अगर मैं काम ना करूं अगली बार शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा आप लोगों के सामने। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, दोनों इंजन बेकार हो गए, दोनों इंजन को जंग लग गया, दोनों इंजन कोयले से चलते हैं। मार्केट में नया इंजन आ गया, नया इंजन लीजिए इस बार, बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिक इंजन है, नया इंजन, नई तकनीक। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई विचारधारा है, नई सोच है, नई राजनीति है। इस बार नई पार्टी को एक मौका दीजिए दोस्तों। और आप लोगों से सबसे एक विनती है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारे सारे नेता कट्टर ईमानदार हैं। हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, मेरा भी बैंक अकाउंट खाली है,
ये भगवंत मान भी फक्कड़ है, वो गोपाल इटालिया भी फक्कड़ है, अल्पेश भी फक्कड़ है, सारे फक्कड़ फक्कड़ जमा है। अगर बदलाव चाहिए तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को सबको साथ देना पड़ेगा। साथ देंगे तो एक वचन दीजिए, यहां से जाने के बाद आधे घंटे के अंदर सब अपना अपना फोन निकालेंगे, बाहर जाके व्हाट्सएप खोलेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर कम से कम 100-100 लोगों को मैसेज डालना है। क्या मैसेज डालना है? मैसेज ये डालना है कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, आप भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दो। 100-100 दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, 100-100 लोगों को मैसेज डालना। डालेंगे? जो जो डालेंगे हाथ खड़े करें, और जिन्होंने 200 हाथ खड़े किए वो 200-200 लोगों को मैसेज डालें। तो दोस्तों, कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस के कैंडिडेट भाग गए, घर बैठ गए। कल राहुल गांधी जी आ गए थे, वो भी चले गए, अब वो नहीं आएंगे दोबारा। तो कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करना, सब लोग जम के आम आदमी पार्टी को वोट देना, क्योंकि झाड़ू का बटन दबाओ फ्री बिजली पाओ, झाड़ू का बटन दबाओ अच्छी शिक्षा पाओ, झाड़ू का बटन दबाओ अच्छा रोजगार पाओ, झाड़ू का बटन दबाओ अच्छी सरकारी नौकरी पाओ, झाड़ू का बटन दबाओ अच्छा इलाज कराओ। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, परिवर्तन 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 परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन।